नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदेश और आप देख रहे हैं इसरो के आराधना स्वराधन। आज आपसे काफ़ी समय बाद फिर से मुलाकात हो पा रही है। बीच में मेरा ये जो क्लास का एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में था, इसलिए मैं यहाँ पे आके वीडियो शूट नहीं कर पाया। इसलिए बहुत समय गया है बीच में, पिछले वाले एपिसोड में और इस एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम वंदे मातरम सीखने जा रहे हैं। कल है स्वतंत्रता दिन, तो इसी अवसर पर मैं आज आपको वंदे मातरम सिखाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आई थिंक 7th नंबर के एपिसोड में मैंने आपको जनगणमन सिखाया था। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप वो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। 7th नंबर के एपिसोड में मैंने जनगणमन सिखाया है, तो आज के इस एपिसोड में हम वंदे मातरम सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वंदे मातरम ये जो राष्ट्रगान है ये पूरा का पूरा राग देश पर आधारित है, और इसलिए मैं आपको राग देश के आरोह और अवरोह के बारे में पहले बताना चाहूँगा। इसके आरोह में हम ग और ध का प्रयोग नहीं करते हैं। राग देश के आरोह में हमें ग और ध का इस्तेमाल नहीं करना होता है, और अवरोह में सभी सुरों का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन पीछे आते वक्त यानी अवरोह में हमें शुद्ध निषाद के बजाय कोमल निषाद का प्रयोग करना होता है। तो पहले तो मैं आपको राग देश के आरोह और अवरोह बजा के दिखाता हूँ। ये हो गया आरोह। जिसमें हमने ग और ध का प्रयोग नहीं किया, और स्टार्टिंग नोट हमने सा न लेते हुए नी से लिए है। नी सा रे मा प नी सा नी ध प म ग रे ग नी सा। हमने क्या किया, सा नी ध प म ग रे, ये लेते वक्त हमने कोमल निषाद का प्रयोग किया। सा नी ध प म ग रे ग नी सा, ये ग नी सा जो है ये राग देश की एक मुख्य संगति है, ऐसा हम कह सकते हैं। सा नी ध प ग म ग रे ग नी सा। अब हम एक एक लाइन का अभ्यास करेंगे। सा री म प म प म प नी सा नी सा। एक बार फिर से सा री म प म प म प नी सा नी सा। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला हमने सुजलाम लेते वक्त हमने कोमल निषाद का प्रयोग किया। सुजलाम, और नी के लिए हमने थोड़ा सा ज्यादा समय दिया क्योंकि उस पे हम थोड़ा सा रुक रहे हैं। जैसे सुजलाम सुजलाम सुफलाम, जैसे हमने नी पर ज्यादा समय रुके थे वैसे ही हमें म पर भी थोड़ा ज्यादा समय रुकना है। सुजला सुफला मलयज शीतला रे प म म ग रे ग सा, मलयज शीतला सा रे नी ध प प ध म ग रे रे प म म ग रे ग सा। अभी सस्य
सस्य श्यामलां बिल्कुल पहले वंदे मातरम के जैसे ही है। सस्य श्यामलां मातरम मातरम, सस्य श्यामलां मातरम, सारी मप मप पनी धप। इसमें हम नी कोमल प्रयोग कर रहे हैं। सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम। अब है आगे शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। और एक महत्वपूर्ण चीज, आप अगर ये गा रहे हैं तो आपको उसके वर्ड्स पे ध्यान देना है। ये संस्कृत है और ये संस्कृत के वर्ड्स को आपको अच्छी तरीके से निभाना है, तो इसलिए शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। पहले पुलकित है, उसके बाद फुल्ल कुसुमित। बहुत बार क्या होता है कि लोग दोनों तरफ फ का प्रयोग करते हैं। So, मा पनी नी नी सा नी सा नी सा, नी सा नी सा नी सा। शुभ्र ज्योत्स्ना, शुभ्र ज्योत्स्ना के लिए मा पनी नी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित नी नी सा नी यामिनी सानी सा। पूरा एक साथ शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फूल कुसुमित नी 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 सा नी सा फूल कुसुमित धूमधन सारे शोभिनी। ये जो वर्ड्स हैं इनके लिए मैंने आपको दो नोटेशन दिए हैं, वो इस प्रकार है फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सारे सानी धपनी धप। ये भी ले सकते हैं, या फिर फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी परे सारे निधपनी धप। आप जिस प्रकार गा रहे हैं उस प्रकार इसको बजाना है। ये ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी अच्छे से अगर आपने बड़े बड़े गायक लोगों से सुना होगा, जैसे शंकर महादेवन जी, या फिर क्लासिकल सिंगिंग में बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वंदे मातरम गाया है उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरीके से इस लाइन को गाया है। मगरे ऐसा मींड करके लिखा है, जैसे कि फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी। ऐसे हम ग्लाइड करके नीचे आएंगे और वहां से आगे की लाइन स्टार्ट होती है फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी रे मगरे सुहासिनी। दो बार लेना है
सुहासिनी रे रे मगरे सुहासिनी रे रे धनी फिंगर्स का इस्तेमाल करना आप आपको आना चाहिए, जैसे रे नी ध नी ध प ध म प। हम नी को अंगूठा भी ले सकते हैं या फिर रिंग फिंगर भी ले सकते हैं। रे नी ध नी ध प ध म प। मैंने नी को नी ध प ध म प रे नी ध नी ध प ध म प इस प्रकार सुखदाम के लिए ओनली थ्री वर्ड थ्री लेटर्स वरदाम नी 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 वरदाम मातरम बार सेम भी ले सकते हैं या फिर मैंने आपको लास्ट में कुछ अलग लिख के दिया है, जैसे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं एक बार आपको जो स्टांजा है आगे का शुभ्र ज्योत्सना वो एक बार फिर से सुनाता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना इसमें आपको निसारे थोड़ा सा फांस लेना है बस, जैसे कि मैंने आपको उसके नीचे ब्रैकेट करके दिया है। वंदे मातरम निसारे निसा वंदे मातरम। बहुत सारे क्लासिकल सिंगर्स में तो इसमें भी और सारे और ज्यादा वंदे मातरम ऐसे भी ले सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन हैं आपके हिसाब से। सो अभी मैं आपको ये पूरा गाना गा के बताता हूँ एक बार। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजना मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमिता
द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे